जो मुझे लगता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पेरेंट्स के लिए कि आपके जो बच्चे हैं उनका जो सपना है, उनका जो ड्रीम है, उनका जो इंटरेस्ट है, आप उसका कत्ल कभी मत कर दीजिएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर सबसे बड़ा गुनाह इस दुनिया का कोई है तो वो ये है कि अपने बच्चों के पंख छाड़ देना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके बच्चों का इंटरेस्ट देखकर ही आप उनका जो वो जो करियर करना चाहते हैं उसमें करने दीजिए। अगर आपके बच्चे को गिटार बजाना पसंद है, गिटार पे इंटरेस्ट है, तो उसको उसमें करियर करने दीजिए। अगर उसको आईएएस बनना है तो आईएएस बनने दीजिए। लेकिन कोई आपका चॉइस कि मैं आईएएस नहीं बन पाया तो मैं अपने बेटे को आईएएस बनाऊंगा, ऐसा मत कीजिए। अगर वो खुद बनना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यही कहना चाहूंगा कि आपके बच्चों को उनका जो सपना है वो सपना साकार करने के लिए आप पूरी तरह से उसको सपोर्ट कीजिए। और आपको खुद को भी बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रगल आपके बच्चों को करना पड़ता है। एक दो बार प्रयास करके वो कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते या कोई एंट्रांस क्लियर नहीं कर पाते तो तब तुमसे नहीं होगा या तुम्हारे बस की बात नहीं है, ऐसी बातें करके डीमोटिवेट करने से अच्छा है कि आप आपके बच्चों को उनका मोटिवेशन आप बढ़ाइए, उनको इंस्पायर कीजिए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, शायद बहुत छोटा मुँह बड़ी बात हो रही है, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि एक अच्छी सोसाइटी के लिए अच्छी जनरेशन का होना बहुत जरूरी होता है। तो आपका बच्चा बच्ची एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बन पाए, ऐसे संस्कार जरूर उन पर कीजिएगा। थैंक यू। एक सूचना है आप लोगों की, आप लोगों में से जो अपने इन फलों को उपलब्धि के रूप में सजोना चाहता है तो मंच पे आकर अनुशासन के रूप में आप फोटो सेशन करवा सकते हैं। बस ध्यान रहे, अनुशासन बना रहे। हाँ, पेरेंट्स के लिए मेरा ये कहना होगा, देखिए मैं आपको कंसल्ट करूँगा, मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ और आगे भी मैं जो भी करूँगा वो मैं अपनी मदर की वजह से, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताऊँगा। उनके संस्कार से जिस तरह से उन्होंने मुझे बचपन से ही मेरी परवरिश इस तरीके से रखी कि मैं ज़्यादा गलत संगत में ना पढ़ूँ। बीच में मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन, आप लूज कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको हर टाइम आपके ऊपर मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरे मदर फादर दोनों जॉब करते हैं और दोनों का जॉब इस तरीके का है कि उनको दिन का एक काफ़ी बड़ा समय ऑफिस में देना होता है, तो वो जो समय नहीं था उनके पास तो मैं पढ़ा गलत संगतों में। मुझे भी मतलब जो दोस्त लगा लीजिए आप या मेरा कॉलेज या मेरा स्कूल जिस तरीके का भी था, तो मैं भी गलत संगतों में पढ़ा। लेकिन जब वो चीज़ मैंने आके उनसे डिस्कस की तो उन्होंने मुझे दोनों प्रॉज और कॉन्स, मतलब उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, तो दोनों बताई और कहा कि देखो चॉइस तुम्हारी है, या तो तुम पॉजिटिव की तरफ जाओ या नेगेटिव की तरफ जाओ। ठीक है, हम तो यही कहेंगे तुम पॉजिटिव की तरफ जाओ। तो वो दूसरा एक कंसेप्ट है, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। आजकल माँ बाप बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाते, मुझे लगता है मार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो सुधारने में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बुरी तरह मत मारिए, बट अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कुछ इस तरह की गलती कर रहा है जो उसकी आगे की लाइफ में उसको बहुत प्रॉब्लम दे सकती है, तो हाथ उठाने में मुझे कोई प्रॉब्लम लगती नहीं। दूसरा, जो भी आपका बच्चा सपने देख रहा है, जैसे बहुत सारे माँ बाप होते हैं कि हम आईएएस नहीं बन पाए, हम टीचर्स नहीं बन पाए तो हमारा बच्चा बनेगा, ठीक है, तो उसको इतना प्रेशराइज कर देते हैं उसको। जैसे बीटेक का ही लगा लीजिए, वो आर्ट्स का इंटरेस्ट आर्ट्स में, तो ज़बरदस्ती उसको बीटेक में, नहीं तुम्हें इंटरेस्ट दो 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 तो वो नहीं कर पा रहा है, तो वो उसको क्यों फोर्स करना। अगर वो हो सकता है, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आप सब लोगों को मैं एक बात बता दूँ, आप लोगों के पास पता है नहीं पता है, लेकिन आप सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर है, ठीक है, सभी के अंदर। ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ कि जो बिल्कुल टैलेंटलेस है। कोई पढ़ता अच्छा है, कोई गिटार अच्छा बजाता है, किसी की जीके अच्छी है, कोई लिखता अच्छा है, बस ज़रूरत यह है कि आप उसको निखार रहे हैं, आपको समय से उसका पता लग जाए, ठीक है ना। और आप लोग क्योंकि आईएएस पीसीएस का ही सब लोगों ने यहाँ पे सपना देखा है, तो अगर आप उस चीज़ को सोच सकते हो ना अपने दिमाग में, आप लोग ला सकते हो कि नहीं हमें आईएएस बनना है, पीसीएस, तो जो भी हमें करना है, तो वो लगभग 50% काम कर गया है। और 50% ये है कि आप लोग मेहनत करें, सही डायरेक्शन में जाएं और सिलेक्शन ले लें। थैंक यू। वेरी गुड। दो दो चार चार करके पहले लड़कियों की